टू द व्यूवर्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिकेज 5 to 15 का 3 जून को होने वाला मैथ का पेपर। उसमें पहला सवाल हमें दिया गया है द वैल्यू ऑफ 4 + √2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले 4 divided by √2, ये हमें सवाल दिया गया है। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4 divided by 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 4 divided by √2। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमारे पास से जो डिनोमिनेटर है वहाँ से जो है √2 रिमूव हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे √2 से, क्योंकि ये दोनों में आपस में कैंसिल हो जाएंगे √2 √2, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए हम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा रहे हैं। जब ऊपर 4 multiplied by √2 से, तो वो कुछ इस तरह से 4 बाहर रहेगा, √2 आपका ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब √2 √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट को रिमूव कर देगा। किस तरीके से, √2 √2 दो बेस से सेम है, तो पावर क्या है इसकी, ऐड हो जाएगी, √2 के ऊपर पावर आ जाएगी 2 की। अब रूट से कैंसिल हो गया आपका, रूट से कैंसिल हो गया आपका ये पावर का 2, तो हमारे पास क्या बचा इसके बाद, 4 √2 / 2, ये चीज़ बची हमारे पास। फिर हमने इसकी कटिंग कर दी, 2 1 2 2 2 4। तो अब हमारे पास नीचे तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया, ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या बचा है, 2 √2, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। आप चेक कर सकते हैं पीछे किस ऑप्शन में है ये हमारे पास, द वैल्यू ऑफ 4 / √2, ऑप्शन सी हमारे पास का सही जवाब है।